चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2019 में मिली सबसे बड़ी हार। जी हाँ, इस हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी की याद आई चेन्नई के कप्तान सुरेश रैना को और कह बैठे कि धोनी होते तो ऐसा ना होता। अगर आप भी सुरेश रैना की बात से एग्री करते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में धोनी होते तो ऐसा ना होता लिखना ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल के अहम मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को करारी हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद ने चेन्नई को 6 विकेट से रौंद डाला। आपको बता दें कि टॉस जीतकर चेन्नई के कप्तान जो कि इस मैच में कप्तानी कर रहे थे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में कमर दर्द के कारण बाहर हो गए थे और सुरेश रैना ने उनकी अनुपस्थिति में एक ऐसा गलत डिसीजन ले लिया जो कि टीम पर भारी पड़ गया। जी हां, टॉस जीतने के बाद सभी उम्मीद कर रहे थे कि टीम गेंदबाजी करेगी लेकिन चेन्नई के कप्तान सुरेश रैना ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत उनकी अच्छी रही लेकिन बाद में विकेटों का प्रतिशत शुरू हुआ और चेन्नई की टीम 20 ओवरों में महज 132 रन बना पाई जिसमें से सबसे ज़्यादा रन डुप्लेसिस ने बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने धुआंधार शुरुआत की और डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने शानदार शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़ डाले जिसमें से 50 रन डेविड वार्नर ने धुआंधार तरीके से बनाए वो भी महज 25 गेंदों में। वहीं जॉनी बेयरस्टो ने 61 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को 6 विकेट से बड़ी जीत दर्ज करा दी। इस बड़ी हार के बाद कप्तान सुरेश रैना की ओर से एक बयान आया कि अगर धोनी होते तो ऐसा ना होता क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने वाकई में इस टूर्नामेंट में शानदार कप्तानी की है और अपनी टीम को शानदार तरीके से टूर्नामेंट में आगे ले गए। हम सभी दुआ करेंगे अगले मैच में महेंद्र सिंह धोनी वापस आएँ और चेन्नई को जिताएँ और टीम इंडिया के वर्ल्ड कप की तैयारियों में अपने आप को और मजबूत करें। आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में धोनी होते तो ऐसा ना होता लिखना बिल्कुल ना भूलें।